तुरिया बहुते अरे नवे तुरी बहुतेज नवे दाता धन दे तो अरे नवे आम बहु फलियो नवे घन जल बरसे तो घनो बदलो है नवे आम बहु फलियो नवे घन जल बरसे तो नवे पुरुष गुणवान नवे पुरुष गुणवान नवे गज बैल सवारी अरे नवे सुभारी हो ये नवे कुलवंती नारी कंचन पे कसियो नवे कवि गंग बोल साचो कहे कंचन पे कसियो नवे कवि गंग बोल साचो कहे अरे सूखा लकड़ा और ठोठ नर भाग जावे पर नाही नवे अरे सूखा लकड़ और ठोठ नर भाग जावे पर ना नवे श्री राम जो छोटा बने तो सोहरी पाए छोटा बने सो कुछ पाए छोटा बने सोहरी पाए छोटा बने सो परम पद पाए छोटा बने सोहरी पाए जैसे छोटी बूंद नीर की जैसे छोटी बूंद नीर की दूध में घुल मिल जाए छोटा बने सो परम पद पाए छोटा बने सो सोहरी पाए दीपक जले रात भर अरे छोटा दीपक जले रात भर देखो सूरज काम न आए छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आए छोटी सुई निकाले कांटा तोप खड़ी रह जाए छोटी सुई निकाले कांटा तोप खड़ी रह जाए अरे छोटी मक्खी वो खाई मिठाई हस्ती धूल उड़ाए ओ कुटिया में बाजे इक तारा महल खड़ा पछताए छोटा बने सोहरी पाए छोटा बने सो परम पद पाए छोटी जैसे बूंद नीर की छोटी कहिए बूंद नीर की दूध में घुल मिल जाए छोटा बने सो सोहरी पाए छोटा बने तो परम पद पाए छोटी छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका मन ललचाए रामा ओ छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका मन ललचाए छोटी सी मछली सागर की गहराई तक जाए छोटी सी मछली सागर की गहराई
छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका मन ललचाए हो। छोटी सी चिड़िया उड़े गगन में सबका मन ललचाए, छोटी मीठी बात सभी के मन को सुख पहुंचाए। छोटी मीठी बात सभी के मन को सुख पहुंचाए। अरे छोटी सी मछली सागर की गहराई तक जाए, छोटा सा एक राम नाम जो अमरापुर ले जाए। छोटा बने सो हरी पाए, छोटा बने सो परम पद पाए। छोटा सा एक बीज ना जाने, अरे छोटा सा एक बीज ना जाने कब फूले फल जाए। रामा ओ छोटा सा एक बीज ना जाने कब फूले फल जाए, छोटी सी एक बूंद ना जाने कब मोती बन जाए। छोटी सी एक बूंद ना जाने कब मोती बन जाए। छोटी सी नैया राही को नदियां पार कराए हो, अरे छोटी सी नैया राही को नदियां पार कराए। छोटी नदियां चलते चलते सागर में मिल जाए। छोटा बने सोहरी पाए, छोटा बने सो परम पद पाए। जैसे छोटी बूंद नीर की, जैसे छोटी बूंद नीर की दूध में घुल मिल जाए। जय सोर में सो सोहरी पाए, छोटा बने परम पद पाए। झूठा मात पिता भगनी बंधु सुत नारी, प्रभु नाम का ले ले सहारा ओ वही तेरा हितकारी। ये जग झूठा मात पिता भगनी बंधु सुत नारी, प्रभु नाम का ले ले सहारा वही तेरा हितकारी। अरे वही तेरा हितकारी, प्रभु नाम का ले ले सहारा वही तेरा हितकारी। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर का ओजा की महिमा, ओजा की महिमा वर्णी ना जाए। अरे छोटा सा वो श्याम ओ भरी सभा में सबकी झूठ उठाए। छोटा बने तो सोहरी पाए, छोटा बने सो भरम पद पाए। जैसे छोटी बूंद नीर की, जैसे छोटी बूंद नीर की दूध में घुल मिल जाए। छोटा बने सो परम पद पाए, छोटा बने सो सोई सुच पाए परम पद पाए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, विश्वकर्मा जी महाराज की।
तात को तारे जा को तात को तमाशो देखियो। तात के बाप ने जिकर पेंकड़ बजाया था करे तो आधो सिंह बनियो और कई मिनक बनियो थारो तो को तो की अलग जे बिना तारियो तो कोई बड़ी बात को नहीं। बिरे बाप ने मारियो आंखे और हम प्रहलाद को तारे जा को तात को तमाशो देखियो। ध्रुजी को तारियो जा को बालापन टाळियो है। बचपन में 5 वर्षों पहले भक्ति में लगा दियो तो कोई बड़ी बात है ठीक है। हरिचंद को तारियो तो बिरो कुटुंब बिकाई दियो तो कहीं में थारे कहीं बढ़ाई है। कुटुंब बिकाई दियो मोर धज के तारियो जाके सिर पर धरियो आरो है के रतन कंवर को चीर सिंह को नीर संगले नारी तभी बनेगी राजा रसोई। सिर पर धरियो आरो द्रौपदी को टेरी नाथ। द्रौपदी को तारी भरी सभा में पुकारी नाथ। भीष्म पितामह जड़ो आसरो छोड़ 5 पांडु जो करो नौ हिण बोंडा होता मोरो आसरो छोड़ तने याद करियो तो कोई बड़ी बात है। द्रौपदी को तारी जाको द्रौपदी को तारी भरी सभा में पुकारी नाथ। विभीषण को तारियो जाको कुटुंब संगारो है। भगत भगत तारे जामे नाथ की बड़ाई कौन बिन भक्ति तारे जनो तो तारणो तुम्हारो है। एड़ी बात है। भैरू सिंह जी या जांगलू रहे राजपूत मोर लिखुड़ वजन है कि बिन भक्ति मोहे तार संवरिया बिन भक्ति मोहे तार। करनी कर्म जोई मत मारो और तू अपनो बिरद हंबार। भगत हुई में फरक होने बाकी कर्म बीजे में तो घणो तंताली बात को है नहीं। अपनो बिरद संभार संवरिया बिन भक्ति मोहे तार। गौरी को शुद्ध गणेश मनाऊ ओ ठाको ने आदि कोण है अनादि कोण है पसे कोण है पहला कोण है लीला धारी जाए तो पहला के गणेश जी मनाओ तो पसे वो बाप जी ने कहीं पूछे कि बाप जी कौन हो गए त्यागी। त्यागी मतलब के त्यागी मतलब त्रिगुणी माया का त्याग कर दिया। भगवान की जितना भी माया त्रिगुणी माया को पसार हुआ है त्याग तो खाओ कहीं फल फल उठ गए धर बाप रहा कोई ए माया बारे को है नहीं। जन कह गौरी को शुद्ध गणेश मनाऊ नौखंड नाम तुम्हारो विद्या का शारदन सिंहरू और सुन ले साध हमारो समझ किसी रूप सुने जो तू हूं भाईडा बात आए सब माध्यम है बाकी आखिर तू जे शुरू तू है मध्य में तू है अंति तू ही जे और सुन ले साध हमारो संवरिया बिन भक्ति मोहे तारो। बाद में कहे के ज्ञान ध्यान तो कसु नहीं जानू ना कोई वेद उचारो सत्संग माँ योजना होनी थारी हो बाकी ऐसा भगवान भक्तों ने तारिया। मैं ही थोड़े शौक थारत प्रति हाँ लेन मिला ली। जन कह ज्ञान ध्यान तो कसु नहीं जानू ना कोई वेद उचारो सत्संग माई होनी थारी हो बाजन सुनो लियो तुम्हारो संवरिया बिन भक्ति मोहे तारो। टेडी नजर राखी तो तिणु थारी नजर डेडी हुए तो तिणु भी डूब जावे आधारी कृपा हो जाए बाटे त्रिग्या पानी में राम के नाम पहाण तेरे अहिल्या उदरी पग की रजरे बाडू नार को चीर अनंत बडियो जल डूब राख लियो। गजरे तोड़ सुरा सुर टूक कियो मिथिलेश की राख लीवी नजरे जिनकी रिसपाल गोपाल करे तिन को बल भत्र कहाँ डर रे बाटे त्रिग्या राम के नाम पहाण तेरे पहाण के हिल्ला ने टेडी नजर तो तिना भी डूबेला और तारे तो तिरेला पहाड़ बाटो ही तिर जाओ जो मैं तो बाठे वाली बात तो है को नहीं और सब तिणु ही को नहीं थारी सरना गति है। टेडी नजर तिनकला डूबे नहीं बाद में क्या जलम जलम रहा कर्म इकट्ठा बनकर हो गयो भारो कुकर्म मेट ठेठ जलमारो ओ मोटो उपकार संवरिया बिन भक्ति मोहतार। टेडी नजर राखी तो तिणो भी डूबे और तारियां तिरे पहाड़ो भैरू सिंह अर्ज कर भो तारण अब को जन्म सुधार संवरिया बिन भक्ति मोहतार। बोलिए विश्वकर्मा जी महाराज की जय हो। ए बात कही महाराज पूर्ण मत करा पर पूरी बजा दो 5 बजा दो और पूरी पहुंच गई भैंस पाठा काटा भारी आदमी थक गया हमें एक भजन है शायद द्वारा हो सके तो मैं दो चार जन हुनड़ो हुए तो वह छोटो बिना जो कहीं लाभ में रहे और मोटो बिना जो कहीं घाटे में रहे
इन प्रत्येक कबीर महिमा लिखुड़ी है, हमारे पसंद रही है, जो पसंद नहीं आओ तो ही सुन लिया है ई टेम रो, ठीक है। नवे नवे राम नवे तुरिया बहु तेज, तुर क्या घोड़े ने जिके में घोड़े में गुण हो ही नहीं, बिन कोई खरीद न जाए तो माथू नीचे निकाल रही। निवे तुरिया बहु तेज नवे दाता धन दे तो, दाता धन दे जन बहु नौन करी, रहीम के दान देव तो जन लोग कई गुणी लोग पूछता, ऐसी दे ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, जू जू कर ऊंचो करे त्यों त्यों नीचे नैन, जन रहीम कहे नीचा नैन ई वास्ते करूंगा लोग मने कहे के तू देवे, बाकी देव नाल कोई और ये हंके हमारा नैना जगह नीचा हो जावे, देन हार कोई और है और भेजते है दिन रहन लोग भरम मुझ पे करे तासे नीचे नैन, ये वास्ते महाराज निवणी री महिमा इन भजन में लिखी है। नवे बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अच्छा तो बाबा जाऊंगा भेंट के लिए माल कर, धन दे या ना दे गारंटी नहीं है पर मिलूंगा बइया डाल कर, पर एक बात जोनू हुन ली तने धन भवे नहीं, बो एक नंबर तो संटेल है, माता यशोदा नंद ने पोसा पढ़ाया पाल कर, गोपियां रोती रह गई वो छोड़ गया, यूपी छोड़ गुजरात में जार बसियो है तो बट तू धन जोती वेला, वो दीवाल कहीं को एक नंबर नटखट है, माता यशोदा नंद ने पोसा पढ़ाया पाल कर, गोपियां बिलखती रह गई छोड़ गया, बेहाल कर बस वैसे ही मुझको छोड़ गया, मैं कहीं बड़ी बात बो कहीं ने छोड़ गयो, वैसे ही मुझको छोड़ गया वो नटवर गिरधारी, भर भर के आंसू नैन में अबड़ा यूं पुकारी। ब्राह्मण जी के महाराज जवाब नहीं, मैं तो उन्हें कह दियो रवाना हो के भेंट रे वास्ते खाली हाथ में जाऊं को ने मन की इनकी लार दे, कह रहे डोकरा तू तो आसी गड़बड़ करी भेंट रे वास्ते व्यवस्था होती धोने क्यों धगा देता, उतारा पता करपना चार मुठी चावल फूलियां बना पड़ी गांठी बहुत रवाना कर लो, हम रवाना हो हम लारी जाग लियो तो जातू देख लिया, गणेश जी नाम लेन डोकर रवाना होया है, चार पौंड आगे ना आठ पौंड जा पाछा, ब्राह्मण जी कहो महाराज हमैया है मैंने बड़े कोई कार्रवाई करनी पड़ी, डोकरो दूर हो रो रवाना हो, कभी लिखे है द्वारका को चल पड़ा एक डोरी लोटा हाथ में, बांस की एक लाकड़ी और दुबला सा गात में, फाटी सी धोती को लपेटे और नहीं कोई साथ में, चलते चलते थक गया सिर हो गई जब रात, उठकर देखा सामने तो क्या अनोखी बात, ब्राह्मण रवाना हो नहीं 200 जी ब्राह्मण भाई आया तो शरीर अब खांधे पर खड़ी हो हाथ रंग रही छड़ी महाराज ने धका दे रवाना करिया, महाराज कह रहे मायरा नरसिंह ने कटे रे बेटिया बाप कहो थे मने गाँव में हाऊ कौन कोई थाना हूँ गाँव निकालते महाराज तो हो गया भगवान हो जो ए मायरा तो भरी गया महाराज भरोसे तो आकाश हूँ आया श्री ठाकुर तना बेवाण बूढ़ले ब्राह्मण पर करियो उपकार छिन में पहुंचा दियो जूनागढ़ रे द्वार बिनिए साहब स्वामी जी ने देखिया भगवान देखियो भेरी तू हो गयो अठे मारे प्रति रवाना होयो कोनी, मैं तो आज परीक्षा ले तो मारे प्रति पौंडा दे दिया तो मारी जिम्मेवारी ले जानी बन गई, द्वार करे खन हजार भगवान सुन दियो डोगरो प्रभात्र पर उठियो हमें मेल दुबेला हीरा जड़ित जड़ाव गजपति कारीगरी द्वारापुरी ने देखी और पणिया ने पानी भर दी स्वामी जी महाराज देखियो मैंने पासो लार कौन छोड़ दियो अठे सुरत ने पोए पणियारमजार पूछू ये कौन नगर सोने का जहाँ खिल रही फुलवारी या कोई लाया जादू करके तुम बतलाओ पणियारी, पणियारियो बिन टेम कहो है कि ये द्वारापुरी है बाबा श्री कृष्ण जी की धाम है, यहाँ के अधिपति नाम जिसका कृष्ण और बलराम है और इस नगरी के आगे सुख महाराज समझ लो बैंकुंठ भी नाकाम है, और डोकरो कहो जन्म है तो काले पेंडू ज्यादा कर लीजिए मैंने कहीं ठाकुर लागू नहीं साहब तो घणो चढ़ी जी गयो, और ठाकुर साहब घोड़ी चढ़ता हम कूद यार कोई मंत्री कहो गए कहीं हो गए कहीं कौन घणो चढ़ी जी गयो हम के चढ़ता हूँ डोकरू कह जने काले पेंडो ज्यादा कर लियो मन तो खुद ने बाया याद को रहे हो ने हम भगवान कृष्ण रेवास कट गई है कि आगे जाओ महाराज गवाड़ में गया तो बिन टेम देखो कभी लिखे मैं शॉर्टकट में कथा पूरी करूँ क्योंकि भाई लंबी कथा होने वाली टेम गीप रही अब अगली कथा दो चार कथा और होनी है, आजकल तो समय बहुत कम है एक चोर हाड़ियों ने चोरी कर पड़ो नाटो दौड़ दौड़ का पुलिस अड़ कह रहे भाई कौन चोर के नहीं बाप जी हू कर जोग ए कहीं लाओ साड़ियों खरीद रखे हाँ
तो खरीद लो दौड़े क्यों है के दौड़ा ई कारण हो के घरे जाओ जो फैशन बदल की तो पसे भाड़िया कहीं काम को आवे नहीं देओ ई वास्ते दौड़ो महाराज जो मैं तो कही है के फटाफट पूरा करो कदा कोटे फैशन में अभी जो रेल भेड़ चालो जो को ए भगत के अभी कलाकार और जो को फटाफट पूरी करो बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब गेट माथे चार उबो रहे हो दो द्वार पाल उबा स्वामी महाराज देखियो अपन कहीं लेना देना चलो डायरेक्टर मिल लिया और अपन मिलने की बात हो रही है वचन पूरा करो बस रवाना हो गेट में रवाना हुए चारे पौना मोल दिया बिंटे में द्वारपाल कहे महाराज भिखारियों के लिए गली नहीं है गेट से बाहर आइए सुदामू जी महाराज कहे भैया मैं भिखारी लगता हूँ क्या कहे नहीं थे तो एकदम राष्ट्रपति हो मन थोड़ा बारे पधारो महाराज में तावड़े यूं ही गोबड़ो नहीं कौन कहीं है कहीं नाम बताओ के नाम बताओ मैं तंत होता हूँ तो अट थोड़ी आता मन भैया है कि एक बार मन मिलनो है क्या क्यों भगवान कृष्ण कहीं काम है के हाथे पटूड़ा हो के ले द्वारपाल आपसे में एक बीजे हमा देख के घना जी जो घना होनो ओ बेरी हागे भले पटूड़ो है क्योंकि लोग तो खाली महाराज रूप ही देखा करे ऊपर हुई से अष्टावक्र जी क्या जनक की सभा में लोग हंसिया अष्टावक्र जी कहो भाई राजा जनक तू तो अच्छा है लेकिन तेरी सभा जो है ये समारोह की सभा है समड़ी की परीक्षा कर सकती है लेकिन इनको क्या पता कि मैं कौन हूँ आठ बड़ा ऋषि अष्टावक्र रहे सुदामू जी महाराज दृष्टि देख पड़ी और वो ढंग ढड़ो देख भाई स्थिति देख द्वारपाल हसिया के वाह भाई वाह संसार में कैडा कैडा भिखारी जगह हित हाथ बजुड़े जी गणा वे हकीकत बात है हणे मैं हजार कह दू हो नहीं अजी हाथ बजुड़ो कोई मान ले कहीं बिन टेम तो सुदामू जी महाराज कहीं विनती करे कवि कहीं आगे हरिदास जी लिखे अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो पालो कन्हैया से कह दो अरे पहरेदारो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीबा गया है दर पे सुदामा गरीबा गया है भटकते 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 न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के गरीबा गया तुम्हारे महल के गरीबा गया है ऊंडो जल जिन देश रो थोथो थलबट देश जटे रमे नित जोगणिया न्यू न्यू जाए नरेश मारी करना देशों प्यारो लागे मर्दुरिये रो देश ई वास्ते इन सभा ने ढंगडाळो देखो प्लस दूसरी बात मोने गांव वाले कलाकारों ने याद कर जने होसो के अज तो लोग अपाऊं ठीक है कुल मिलार जो बारी बुलावे तो है ईरो मतलब कहीं है भागवत कथा में महाराज कह करता मोरे बे हरिशरण जी कह कथा तीन प्रकार की वे एक नारद शैली एक वेद वेद व्यास शैली एक हनुमत शैली हनुमत शैली ने सबसे बड़ी बताई कि आजकल समय ने देखता हूँ वह कथा में मैं हनुमान शैली ज्यादा रखवा हनुमान जी फदाक मारी हाथ मंदरे के हाथ ही और दूसरी बात हनुमान जी की दूसरी विशेषता कहीं है बंदर अवतार री बंदर जूनी री दूसरी विशेषता है कि लारो डालो छोड़े नहीं अगलो नी पकड़ी तो दिखेर के लारो पासो पकड़ ले आ विशेषता है करे बुद्धि जी हमारी कहा नहीं बाकी थोड़ा आगे पढ़ ले यार बारे कोई काम धंधो हरू करेगा क्या बूटिया तो भूख उम्र है भूख काटी है लारे टेलीफोन करो बंद कर दे बोणिया बकाल से कटी देख लो मारे गिरा सरा बोणिया कड़कते रहे 50 लाख रुपया मकान बना दी नौकर सा कर रहे मैं लारली डोर छोड़े गोने आ बुद्धि जी हमारी विशेषता होया करे महाराज ये बात तो जगह है सांस्कृतिक प्रोग्राम होया ऐतिहासिक होया दिखा मेरा प्रोग्राम दस गाले बीकानेर होने लग गया क्योंकि मारे बीकानेर का कलाकार एक फैशन में रंग एडो फैलायो के चारू मेरी सफाई कूड़े तो कथा हूँ करने फैशन रो ठाव लागो और नाच कूद रो पतो लागो और राधे श्याम भाट ने ठा लागो के बेटो बैठे हपा पोली से हम के भावदू में बीकानेर आयो को बन पे हो लारसी की कलाकार आयो नहीं सोरी गाणो गायो नहीं नाग लपेटा ले वो कपड़ा पैर काला और बेरी मटकी माथे को लुगाई रही आवाज में गायो जो 10-12 प्रोग्राम लागे राम दीजू रे हैंग बीज लगाया पचे सवरलाल रंगो और नवदीप बीकानेरी के ये माहौल हगलो बिगाड़ दियो तो माहौल हरुआ तो गरीब वाली पाठ गाड़ दिया हुआ बस वो नीम है कि बस गड़बड़ करो तो उस्ताद को इनको मिल जाए चार जना गंगा जी गया आएगा सारणर एक दो राजपूतर एक दर्जीर एक जाट ना अपना बारह हर का पंडित जी कह लो भाई लेन वही बैठो थोड़ा तिलक करूँ तिलक करने लागा जने चारों तिलक करियो चौधरी और नंबर आए बीटे में चंदन घूट गयो घुटोर का महाराज कह के चौधरी काटू काटू क्या वे मुंडू क्यों उतारे के मोहली टेम चंदन घुटोर बैठ गया मुंडू नहीं उतारा तो कहीं करो 100 रुपया बाकी रो दिया तू आगो पास मत हो गया नहीं हुआ को महाराज बन मोहल टेम थे चंदन घुटो दियो गहली बात करे अले आ गंगा जी धूड़ को चंदन कम है कहीं अपन देखना भी है साबित देनी है
महाराज तिलक कडार इन बिने देखियो पानी में डेडीया कूदता एक डेडीडी पकड़ पड़ी के आ लो राठी गाय मारी तरफ अल्लो ओ गौदान के ओ करे कहीं बेटिया बाप कहीं हो 50 दे भाई के दो बड़े कोई हो 50 कोई मायनो राखे गंगा जी री धूड़ो के सनु नु कम कोन तो गंगा जी डेडीडिया घर राठी गाय कम तो कोनी मरा गाय री गाय टोरा दी बड़े क्या यार खाया यार पिया ई वास्ते महाराज गड़बड़ करो तो उस्ताद मिल जाई और ज्ञान री बात होनो तो ज्ञानी मिल जाई जेड़ी सृष्टि दृष्टि वे बेड़ी सृष्टि अपने आप भक्त ने प्राप्त हो जाया करे तो ओ भजन कहीं गाथो आती मैं लिखियो बार मैंने शरण जी कह एक आदि थी होना है मैं भाई शरण भाई हूँ सुखो हमें बात तो है कौन पण थोड़ी घड़ी मुको महिमा होना भजन में लिखियो विश्वकर्मा जी महाराज रुके आज थाने आनो है दाता जागण की आ रात प्रथम महिमा है कि पांच नगरी संसार में भी तो सात पूरी संसार में जिकी में पांच विशेष दुर्ग है जगह प्रमाण सुधा विश्वकर्मा जी खुद बनाया विश्वकर्म महापुराण आधारित है सतयुग बैकुंठ त्रेता की लंकापुरी द्वापुर में दो एक तो द्वारापुर द्वारापुरी और सुदामापुरी और कलयुग आरंभ में हस्तिनापुर है पांच नगर विश्वकर्मा जी विशेष नौ पहचान जुड़ा है महाराज अठा पड़े के शिल्प कला कहने क्या करे शुरुआत महिमा है कि शिव भक्ति का बोध शिव भक्ति का कर बोध और दानव दानवों ने किया क्रोध सनातन लांद गए सनातन धर्म ने पार कर गया शिव जी री भक्ति शिव जी भोला भक्ति वास्ते है शिव जी ने प्राप्त कर अपना रागसी आज हजार देवताओं ने कहते ले आओरा लौंड कौन रह देखी शिव भक्ति का कर बोध शिव जी री बोध भक्ति कर और तब से प्राप्त कर जार देव देवताओं युद्ध करियो देव दानव युद्ध संसार में सबसे श्रोमणि सतयुग में हो जिके में सब देवी देवता जार ब्रह्मा जी कहने गया ब्रह्मा जी के ओ हो दो अपनी बस रुको नहीं वास्ते विश्वकर्मा जी भगवान ने विनती करो महाराज प्रकट होया ऋषि दधी चीरे के हडर अगर वज्र बिने और बिणु को पापो कट सके निजन पेश शिव भक्ति का कर विरोध बोध दानवों ने किया क्रोध सनातन लांद गए सुर नर गए सब हार भयो तीन लोक हाहाकार ब्रह्मा के पास गए ऋषि दानी दानी जन दधीची हाड दानी दधीची वालो वो हाड बजर नाम से पहचानियो है जागण किया रात दाता आज थाने आणो है दूसरी महिमा किसी है के पार्वती जी एक बार इमी सुनो को संबंध विश्वकर्मा जी कथा रो बोलो एक बार कही है के लक्ष्मी जी हूं मिलने वास्ते गया कहानी ब्रह्माणी जी और पार्वती जी आप स्टाफ हो भी बराबरी से काम होया करे बराबरी से कीजिए बैर ब्याव और प्रीत वृद्ध जन कब हूं ना छेड़िए तो सतपुरुषों की रीत लग पार्वती जी देखियो अपनी जाओ तो घूमिया खाली अटे भोंग घोटा बैठा उम्र अधिक तो ले ली बिना ही मतलब लक्ष्मी जी ने अटे किया लक्ष्मी जी कहो भाई क्या आई के मैं ही मिलने आ गई बस बराबरी हस्ती तो के ले बराबरी अड़े थे बिल्कुल कह दी थारो बासो मसणो में मारो रहन सहन कटे बराबरी अड़े थारे बिल्कुल दसा दी अठे मोहल्ले पास या और मोहे यार बताएगा बेडरूम देख अरे टीवी देख सोनी पहना सोनी के बिने मैं आल तो कोई मालिक बपरायो को ने था देखिया कोई कदी अरे अठे अठे ना पास है बाले बाग बगीचा बताया और अड़ंग बड़ंग बताया पार्वती रू हो अपमान जचार कहो के बराबरी नाम दोबारा मारे हुनने में नहीं आने से नहीं मैंने बड़े कोई हाथा मुकी और कहीं करनी पड़ी इं कर धक्का देर काटी पार्वती जी है शिव जी खने अपना और पार्वती जी कौन लगा बोलिए विश्वकर्मा जी महाराज की जय हो कटी कटी जागरण में जाऊं गांव में जाऊं तो सब बड़े दिख जावे मन में हो सो आज तो तारा ही तोड़ दे ओठा कौन तारा थर बाप लगे उड़ा कोई कई कलाकार खप गया जो कौन टूटा कौन मन तो ही मोहर जोड़ गमन तो आज हो चार बजन रो जमो जने बट यहाँ है कि बा घमंडी बात को पर इज्जत दुकानदारी कदर रहे ग्राहक ढूंक आऊं ग्राहक एक ही नहीं ढूंके जन तमाद बेहत है क्यों खोटी वे कोई धंधो दूसरो करे नहीं रहे दुकानदारी का कदर ग्राहक ढूकाऊ और गायक की कदर हुआ श्रोता बैठा हूँ और मौजू को गाउनिया मन गए वहां खाली खूबियों घने हुए मैं कलाकार मोहल्ले दुई कोई गाउन ने बैठो रागड़ी ले ली लंबी कही आंखियों मीच ली डेढ़ दो एक बजे आंख खोली का आगे एक जनो बूटे साग डेण बैठा माथो धुने का हो जो बड़ो आगो सरो तो एक ही सुखो चार बजे आरती कर और बाबे खन जा के बाबा भजन तो बढ़िया गाउन के मारे खने आर के तू कहीं बकवास करे बहुत एक बोले बाबा तो होनी चाहिए कौन अब रात हाँ ही लंबी लंबी रागो करी के खन्ने आ मारे कौन में जा रहा के मैं भजन किया गाऊ के भाई थारा भजन तू ही जोड़े मान तो मुंडू हाल तो थारो यहाँ सीढ़ी रुवाने जाओ क्या तो थी रात बैठा नहीं के जन कट जाऊं बता
तने बुला लियो मतलब मैं घर छोड़ दू तो मा तो धूण दान नहीं कह 20 वर्ष होया मा तो धूणू थाने बस दू धूणू कोई तू तो रात 9 बजे आयो है के कारण के लगभी रितास है मने 18-20 वर्ष होया मा तो धूण देने ठीक है भाई तने छोरा बुला लियो बाकी तो अपना घर मोड़ बैठा गौरा गया पर मैं कट जाऊं बता बोली विश्वकर्मा जी महाराज की जय हो। पार्वती जी बिन टेम काए के मन में क्रोधित हो परा और संसार में आपरी महिमा सुनी के मैं महेश्वरी पत्नी कहलाया करूं और पार्वती लक्ष्मी मारो अपमान करियो है आज देखूं देखोनी के संसार में कौन कहीं हुए है। बिन टेम काए के पार्वती जी जापना और भगवान शंकर ने कहे बिन टेम कवि लिखियो है कि अपमानित हो आई गौरा पार्वती माई और शंकर से अर्ज करी के महाराज अपमान हुयो मारो केड़ो अपमान हुयो है। शिव जी तो आंख खोली गोने के मान अपमान माने कोई मतलब ही को नहीं ठीक है अगर मान अपमान देखता तो मसनों में डेरा थोड़ी लगा था गैली हुई तो छोटी मोटी बात दिमाग में नहीं रखनी क्षमा बड़न को चाहिए ओछे को उत्पात क्या विष्णु का घट गया जो भरगू मारी लात ये वास्ते मन के नहीं महाराज हमें ठहरो तब से बस करिए हमारी बात सुनो लक्ष्मी मैंने कहीं कहीं बोल गया है बे सुनो और हकीकत बात है महाराज लक्ष्मी पहली बात तो मैंने कह कि थारे जे शिव जी आज मर जावे तो थारे के संपत्ति कहीं बात बता मैंने और अपर बाबा रीस करनी बात को हकीकत बात थी हणे मरो तो बताओ मार कने कहीं है मसौन भूमिका है पट्टा काट काट बेसू तो कोई बाप ही लेवे कोई है के मन दे तो जागे ही बेकार है लुगाया पता ना थई करो तो के नहीं भाई थारे आंगणे में अरु चालो हार करो कोई बिलगटिया थई करो बिन टेम पार्वती कयो है अरे मेरे नाथ मेरे बात संभलो आज अरे मेरा अपमान हुआ डोकरा तेरे लिए मैं तो बदनाम हुई भोलिया तेरे लिए मेरा अपमान हुआ भोला शिव तेरे लिए अरे होई सगाई नारद आके खड़ा ओ आके खड़ा मेरी होई सगाई नारद आके खड़ा आके खड़ा गई ब्रजाग मेरे पाले पड़ा ओ मैं तो निर्भाग फूटे मेरे भाग मेरे पाले पड़ा ओ पाले पड़ा आए थे बन देव बरात आए पहल सवारी आके तोरण खड़ा पहल सवारी करके तोरण खड़ा अरे किसके क्यों ना हूं मेरी आज मेरी बगिया वीरान हुई डोकरा तेरे लिए बगिया वीरान हुई भोलिया तेरे लिए गबरा बदनाम हुई बोलिया तेरे लिए घर दासी दास हजार दास हजार मेरे पिता के घर नौकरिया हजार दासी दास हजार भोजन बतीसू मिले भरिया ओ भोजन बतीसू मेरे मेरी धन को ना पार धन को है ना पार पश्मी लगाए गले सर पौकी माँ पश्मी लगाए गले सर पोकार ऐ भूत प्रेत तेरे लार महल वीरान हुई भोलिया तेरे लिए तो बदनाम हुई डोकरा तेरे लिए हुआ
भस्मी लगाए गले सर्पों का हार, मेलों से आई शमशान, ओ मेल तज आई शमशान, तेरे भूतों के वास हुआ भोलिया तेरा एली, ए भूतों में वास किया सदा शिव तेरे लिए, गिरजा बदनाम हुई ढोकरा तेरे मेरा, लक्ष्मी अपमान किया भोलिया तेरे लिए, ढोकरा तेरे लिए सदा शिव तेरे लिए। जय बोलो चकाचक महादेव की, बोली विश्वकर्मा जी महाराज की। पार्वती जी बिन टेम क्या महाराज यहाँ है हासून कोई हुसरा, पहली बात तो बताओ कहीं रिकॉर्ड है। सासू जितरो सासरो पन्नालाल जी जयमल शरण लिखी है राम जी मामा के, हासू वे तो हासरो माता वे तो पीर, कहानी कस जद बाबू से घर आवसी उड़ो ना धरे धीर बीरा रामदेव। पार्वती के महाराज आ तो हकीकत बात है, हासू हुसरा कटे बताओ थे आया कटू मैं तो थोड़े के आगे हो गया, गलती होगी महाराज अपमान थोड़े बजू मारो है, बाकी मैं तो राजा हिमाचल री पुत्री और उज्जैनी नगरी मारो वास, कटे मारो रे वास और डोकरा थोड़े बजू मारो कोमड़ो लार ले आसन जातो रहियो मैं तो, अरे मेरा लक्ष्मी अपमान किया रे भोलिया तेरे लिए। कारण हुई सगाई नारद आके खड़ा, नारद जी आपनो राकुबुद करी, नारद जी हमें जल जाओ तो पाठा काटू बेरी रहा कहतो शिव जी जेड़ा तो बस है वर संसार में कोई जलमियान कोई जल में, और वो छोटी रेडियो स्टैंड एरी लेजो काटे कटने गयो और मने अटे फसा गयो, भूतों में मारो वासो शमशान भूमिका हमारी प्रॉपर्टी डोकरे जेड़ा धणी पर अपमान तो होणो जे, मैं तो अपमान अपमान मित हो आई रे भोलिया तेरे लिए। जनक है हुई सगाई नारद आके खड़ा और बस लेके बराती शिवजी बैल पे चढ़ा, जन लोग मारा सहेलियों हंसी के वाह भाई वाह तू लोगों ने हंसिया करती के थौलो धनी एड और थौल ओ थौलो देख तो ओ बंदरो केड़ो गायो है हां, आके बैल पर चढ़ा अब गल में हां भस्मी लगाए गल में सर्पों का हार, अरे भूत प्रेत तेरे लार, मैं तो मेल से शमशान आई रे डोकरा तेरे लिए, अरे मेरा अपमान किया रे भोलिया तेरे लिए। भगवान शंकर कह मैं तू कहनो कहीं सावे लास्ट के लास्ट महाराज यहाँ है कि मन कहो कि थारे कटे घर कटे बार कटे पीरो कटे हासरो लेना है कि देना दो कुत्ता निकले रे मिनिया बड़े ठीक है। अब करनो कहीं है कि करनो ये जे मरा लक्ष्मी ने मैं भी बुलाऊं गणेश बताऊं के और ढंग डालू देख एडी कोई व्यवस्था कर सको कहीं हां और माया रहता होगी इनते भगवान शंकर कह बतावे जरासंध तंग करियो भगवान कृष्ण ने जने विष्णुराज ने याद करिया और पानी रे मैं बहादुर को बसायो जालारी कविता अनुसार, और रामायण में भी आ महिमा आवे है कि बिन टाइम भगवान शंकर याद करिया विश्वकर्मा जी महाराज प्रकट हो परा और लंका गजब घड़ी लंका जेड़ो दुर्ग बनायो तो डोकरो तो हगी जगी रहयो, लंका पूरी इतनी सुंदर बनाई जी के समझ लो के छोटे मुंह बड़ी बात अपा तो एक जी बालो कहीं बड़ाई कर सको शेष मुख शेष जी भी लाग जावे तो हम लो के कोमड़ो अध बीचे। तब दिया शंकर ने ध्यान प्रभु भये प्रकट कृपा निधान और शंका लंका गजब घड़ी, और लंका तो गजब घड़ी लेकिन ऋषि विश्रवा की बार नीत रावण कुटुंब खपाणो है जागण की है रात दाता आज थाने आनो है ऋषि विश्रवा बिन टेम रे मैं समक्यूड़ो पंडित हो हम लोग हमें प्रकाश मारे समक्यूड़ो ज्यो समझियो भगवान जो ने किन्दु मारे भगवती ने महिमा गावे पे कह पुंचो पकड़ियो सेखे जीरो, अरे देखो कर्नल भाई वो वे पुंचा पकड़ना और कर्नल भाई ऐसे बद मारे सारे इतिहास में गोया करें मने मैं समय भाई आ गई जगह में सब ठीक है। और बिंटे में कह विश्वकर्मा जी महाराज प्रकट होया कह महाराज संसार में दुर्ग एड़ो बनायो जो आज तक लक्ष्मी जी जैन भाई हुपने में नहीं हो सके, भगवान विश्वकर्मा जी बा लंकार रचना करी बैठे और बीरो ओपनिंग ही बिन टेम का कि ऋषि विश्रवा ने बुलायो ब्रह्मा जी रो पुलिस थे पुलिस रो विश्रवा विश्रवा रो रावण और रावण नो दादो बाप हो ऋषि विश्रवा, वो घर्री विधि विधान ओपनिंग कराई लंका में भगवान शंकर रो प्रवेश करायो बिन टेम डोगरो प्रगट कहीं ज्यादा हो जाता हरेक काम में प्रगट हो गया प्रसन्न हो गया कि ले भी ऋषि विश्रवा पंडित हो तो तेरे जैसा वरना हो ही नहीं, क्या महाराज कहीं बात है क्या कहीं नहीं तू सब जो ही मांग ले आज थारे माते हो भोलियो त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर महेश जी को भजे है थारे माते प्रसन्न बिन टेम ऋषि विश्रवा कहो के महाराज मैं देव ही जोजन के बस थने कह दियो कोई हमको मत राखी मांगे दीदी देर है जन के महाराज लंका मने देव के बस गया तो ओपनिंग कोई बात नहीं कहीं भी हुए थे कौन देव लंका विश्रवा ने बड़ा अपना शिव जी तो पास जाए मसणों में डेरा लगा दिया आगे जागे माते पार्वती के महाराज हो तो बाबू कोई गियो कोई आयो
नौ दिन बारे मरियो अठारह ले रहा घरे से बात हकी जगह रही बस है क्या भैया यहाँ है कि बसन कौन पलटे छोटा मोटा से क्या खानदान है धरती रा रघुकुल रीत सदा चली आई ए बे भी इतनी बड़ी बात बात कराया तो मैं तो त्रिलो की नाथ अजन्मा अविनाश ईश अनादि ओंकार नाथ नील कंठ जटा जूड़ त्रिपुरारी त्रिशूल हाथ डमरू बजावे गावे नाचे भूत प्रेत साथ संसार में हमारी विशेषता अलग है तो हमारी जबान भी है इसको दीदी मैं तो हम लंका कोई दूसरी बसाओ पार्वती के निठे का आलसू गुड़ियो कुंवारी माथेरी बसाओ हम अपन तो कुल मिला और डेरो मसण में रहनो है रवा और मसाना में डेरो सुजीरो आई ईरो भी बहुत बड़ो एक विशेष बात है कि आदमी रो सफर हुए कितो जिंदगी रो सफर हुए गिरे जल में यार मसनो तो ही लास्ट है और सफर तो जो है बाकी है जो वाया वाया है नहीं और गड़बड़ हैंग वाया वाया मुझे अगली बाबू जी कोई गिरस दे गिरे गया रटने वो भाई राम खेत हूँ आयो कुत्तियो घरे बड़ी भी रहते कुत्तियो हसक तो बड़ी हो बाबे क्या हो कुत्तियो हस की घोड़ी रो भाई चौधरी थारो खेत भाव घनी है कहीं क्या नहीं बाबा भाव तो डैडी एक है कुत्तियो तो वाया वाया हूँ गड़बड़ कर दे कोई हंड देखे रखा जाओ बीर ला रहे पासो मार्ग मा तो अभी हिणी दिए जाओ दो कोस बीर ला दौड़े पासो बिने और बिने कोई कुत्तियो दिए जाओ तीन कोस बीर ला रहे हूं तो डेढ़ कोस जाऊँ ओ पेंडो करे पंद्रह कोस रोड़ो तो सकरो बिजलू काट काट थक जाओ करो कहीं रहे हो तो एक उर्दू में कहावत है कि मियाँ जी चले थे घर से कब्र तक पर पहुंचे नहीं बीच में ही थक गए आखिर अपन उठा अपना ले जाना पड़े महाराज बढ़ते आज तो कोई जीव तो पहुंचो तो भगवान शंकर जी पहुंच चुके एलो अपन डेरा आठी लगाओगे लास्ट बात खत्म हो जाएगी अंतिम स्थान में डेरो कौन दे जिक्र मन में डर नहीं हुए जो को अविनाशी हुए जो को परमात्मा तत्व और आत्म तत्व ने एक समझे भाई महाराज भागी तो मसौन रो मौजार आजकल से कोई करोड़पति गिरे जाता रहो बम्बई क्यों मैं राजू जी जाट बाढ़ से लो कर मन बाढ़ जी ने आया ओ बाथरूम हने बिना यो 18 लाख में तो अभी ने 60 ही कोई जय हो तू 18 कौन बोले 37 लाख लगा रहे हो जार रही तो आगे कमी से का के या टीवी अन लायो का के 20000 मोबाइल लायो इयो कोई कह कोने समसोन भूमि खने जाए विशेष स्थान है पवित्र स्थान है अंतिम मठी जानो है बोलिए महापति महादेव की जय हो। हां यहां तो गुरुमुखी मनमुखी में एक छोटा फर्क बतायो है कि 8वीं पड्यूड़ो और कोई तमाश कह दियो के सप्राशोरी भरती रे भाईडा थोनिया तू जावे कि नहीं रे और निकली और का हमो मिल गयो मैं जड़ को डफोड़ के किन्ने भर्ती में सरकारी सबरसी जो का खजाना में हीरो ही मैं जाऊं तो पडड़ू के तो 8वीं मारी करूड़ी है तो तू ही हाल ऑफिस कने जाओ तो बके बड़ा प्रश्न कई करी रे के हो सका तो दौड़ कूद कराई का के दो चार बातों पूछेला तो जने मारी पकड़ तो बढ़िया है पहला तू जार पसे मने आईडू दे दई पसे मैं 439 बता दे वो भाई पहलो ही मोय गयो जने बस साहब बैठा कुर्सी माते कह दे भर्ती में के हां डॉक्यूमेंट लायो फोटो कॉपी आदि के सब लायो ए लो तो हम देख कहो के वर्तमान में भारत का काव्य पाठ में रुचि रखने वाला प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है वर्तमान में वाजपेयी टेवरी बात है भारत का प्रधानमंत्री काव्य पीठ रचयिता और वक्ता जिनका नाम क्या अटल बिहारी वाजपेयी तो के राइट ठीक बात दोबारा पूछियो भारत में पेट्रोल के इराक से के राइट तीसरो पूछियो के हमारे ब्रह्मांडी धरती गोल है चापटी है थारो कहीं विचार के मारे कहो कहीं बटे वैज्ञानिकों कहो ही जगह धरती गोल है बगे से प्रमाणित को कर सके नहीं ऐसे खाली अनुमान लगा हुए बाद में कहो के करोड़ कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है अमिताभ बच्चन का राइट थारो नंबर आ जाए वो बारे आयो और का भाई वो डबूल बारे बाटी तुझ तो क्या क्यों रे क्यों मन तो बैठा ठीक ही पूछे मैं तो सेट कर दिया कितना पूछे कि भाई 400 एक पूछे मैं तो कहीं बतायो कि पहला तो मैंने पूछो कि पूछो कि धूड़ धूड़ भवन उत्तर बता कहीं बतायो अटल बिहारी वाजपेयी बस मैं कह इराक इराक से और बाद में कहो अपने अमिताभ बच्चन और बाद में कहो कि ऐसे प्रमाणित कर सके को नहीं वैज्ञानिक और कहो तो ऐसे कि उत्तर थे ऐ दिया एड़ा तो मैं 50 ही बता दूं कोई प्रश्न कोई उत्तर भाई मोहल्ले पास जाए साहब कहो कौन भाई के भर्ती में आयो डॉक्यूमेंट के ओले हम देख पण और पहला हकी बात पूछो तेरे पिता का नाम क्या अटल बिहारी वाजपेयी के साहब ही सकर्म पड़ गया रे भाई साहब अटल बिहारी वाजपेयी ब्याह ही करी तू हंकरबाज रो कठू आगे बड़े क्या अटल बिहारी वाजपेयी के हाँ पैसे कूड़ी थोड़ी है थे को तो हम डिली हूं बारे उपवास तो क्या पिता का नाम पूछ रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी का साहब देखियो बढ़तू जुबे कोई जरूर थोड़ी के प्रधानमंत्री जुबे है क्या ठीक बात है बाद में दोबारा पूछो के तेरा जन्म कब हुआ तो 1857 में तो कोशिश करी 1947 में हो
भी पहले बता दियो भाई मन तो देश के बारे में पूछो आजादी के बारे में जवाब दियो कि 1857 में कोशिश करनी हरू करी 1947 में देश आजादी मिली भी तो उत्तर बतायो कि तेरा जन्म तिथि के 1857 में तो करनी हरू करी कोशिश 1947 में जाता तो पेड़ो पेड़ो पार हो गयो साहब चिड़ गया सीटो कह के तू आयो कटू के इरा को बहुत तेल सेटिंग कर दियो रहा कहो के थारो माथो खराब है का मारो है कह वैज्ञानिक कहो तो वही से बाकी से प्रमाण को कर सके आज तो दूसरों ही बजाओ महाराज बोली विश्वकर्मा जी महाराज की जय बोलो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की ये वास्ते महाराज गुरु मुखी और संसार में महिमा है मन मुखी और महिमा को नहीं चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी नाम धरा लो चाहे कहीं करा लो तो मैं थोन महिमा और सुना दू एक भगवान कृष्ण और शिवरी है तो मंगलिक महिमा होना क्यों क्या पर हर्षो उल्लास दिवस मनाओ ने पे विश्वकर्मा जी भजन हो चाहे कृष्ण महिमा हो चाहे राम री महिमा हो चाहे शिव महिमा हो जिकी भी मंगलिक महिमा हो एक शौकी गोया करे नौ प्रकार जिकी महिमा हो हास्य रस करुण रस वीर रस रुद्र रस नौ प्रकार रस होया करे इमें विशेष हास्य रस और करुण रस और सिंगार रस है तीन चार महिमा होया करे मंगलिक में और बाकी महिमा जो थो उठाई जाए वीर रस भी जा रहे को वीर तेजो है पृथ्वीराज चौहान है ए वीर रस की महिमा हो जगह जगह देश के प्रति कोई प्रोग्राम हुए नहीं भी मैं गाया करे तो मंगलिक एक छोटी सी भगवान कृष्ण और शिवरी महिमा मैं थोड़ा और सुना दूँ 10-15 मिनट ही और जितने थोड़ी सी मुद्रा आ गया बस कलाकार बदल रहे हैं पर कहीं कमीज हो सके थे 20 दुकान मत फिरी एक ही में याद आ जाए भक्ति भाव भादरव नदी सदा चले गहराय श्रोता जबी सराबिये जेठ मास ठहरा बसमी लगावत शंकर के अही लोचन बीच पड़ी झरके अही की पुकार लगी शशि पे तब इमृत बूंद पड़ी झरके के हरि राय उठ्यो दर राय गऊ सुत भाग गयो डर के कवि गंग कहे गुणवान सुनो तब गवर हसी मुख यूं करके राम गंग कहे अकबर सुनो तब गवरा हसी मुख यूं करके हर एक दिन शिव भोले भंडारी देखो बन करके ब्रजनार गोकुल में आ गए थे गोकुल में आ गए थे पार्वती भी मना के हरि पर नहीं माने त्रिपुरार गोकुल में आ गए थे गोकुल में आ गए पार्वती भी मना के हरि नहीं माने त्रिपुरार गोकुल में आ गए थे गोकुल में आ गए पार्वती से बोले भोले अरे गवरा मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो पार्वती से बोले भोला मैं भी चलूंगा तेरे साथ में तेरे संग में राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में ओ तेरे संग में तुझ मेरा सरचे बीवारी मुझे दिखा दे प्यारी गोकुल में आ गए मेरे राम जय बोलो अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो बोलो विश्वकर्मा जी महाराज की जय हो